अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम द डेफिनेशन ऑफ द रेक्टिफिकेशन विच सेज दैट द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी दैट इज नोन एज द रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन की टू टाइप्स होती हैं, इट कैन बी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और इट कैन बी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अभी हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि वो डिवाइस जिससे हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं दैट डिवाइस इज़ नोन एज रेक्टिफायर। तो उसी हिसाब से हाफ वेव रेक्टिफायर जो डिवाइस परफॉर्म करेगी दैट विल बी नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो फुल वेव का प्रोसेस परफॉर्म करेगी दैट विल बी नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। हेयर इन दिस केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट कि रेक्टिफिकेशन का जो फिनोमिना है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग द डायोड्स। हम पी एन जंक्शन जिसको हमने कहा है, जिसको हम डायोड कहते हैं, दैट इज़ यूज एज अ सोल पार्ट ऑफ दिस सर्किट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपके पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, एक ही डायोड लगा हुआ है, एंड हियर इज अ रेजिस्टेंस, इसको आप लोड रेजिस्टर भी कह सकते हो। यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम आउटपुट सिग्नल जो है जो कन्वर्ट हो चुका होगा डीसी, वो हम यहाँ पर आउटपुट में ऑब्टेन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनपुट में क्या होता है। इनपुट में आप एसी सिग्नल आप जब दोगे देन इट विल बी लाइक दिस, पहले पॉजिटिव पार्ट आएगा, फिर नेगेटिव पार्ट आएगा, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। हम देखते हैं कि जब पहले पॉजिटिव पीक आती है तो क्या इफेक्ट होता है। पॉजिटिव पीक इज़ लाइक दैट, ये पॉजिटिव है और ये आपके पास जो है ये नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव पीक आने वाली है। सो इट लाइक दैट कि जैसे इसके अपर पार्ट के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अपेयर हो रही है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अपेयर हो रही है। तो हम देख सकते हैं दिस इज़ द पॉजिटिव पोटेंशियल दैट इज़ अप्लाइड टू द पी साइड ऑफ द पी एन जंक्शन। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन होती है, या हम ये भी कह सकते हैं दैट दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग। और हमें पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में मैक्सिमम करंट या फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है, और उस वक्त फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही फ्यू ओम्स होती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। दिस मीन्स दैट कि फॉरवर्ड बायसिंग में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होता है, सो दिस डायोड विल कंडक्ट द वैल्यू ऑफ द करंट, और यहाँ पर आउटपुट में आपको ये पॉजिटिव पीक जो है ये एज इट इज़ आपको आउटपुट में मिल जाएगी। नाउ देयर कम्स द पार्ट ऑफ द नेगेटिव पीक। जैसे ही करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया तो जहाँ पर पहले पॉजिटिव था अब वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और जहाँ पर पहले नेगेटिव था अब वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब जैसे ये नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हो रही है इस पी साइड पे, सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायस में हमें पता है कि बहुत ही मिनिमम वैल्यू माइक्रो एम्पीयर्स में ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ही मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे आपने स्विच को ऑफ कर दिया हो, या हम कह सकते हैं दैट इट कैन बी टेकन एज जीरो कंडक्शन ऑफ द करंट। तो जैसे ही नेगेटिव पीक आती है पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज रिवर्स होती है, नेगेटिव पॉजिटिव फेस करने की वजह से रिवर्स बायसिंग की कंडीशन आती है, देन इन दिस केस द डायोड विल नॉट कंडक्ट द करंट एंड देर विल बी नो आउटपुट फॉर द नेगेटिव पीक। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये बिल्कुल स्किप हो जाएगा और अपेयर नहीं होगा। अब इसके बाद अगली जो पॉजिटिव पीक आएगी, अगेन वही कंडीशन बनेगी कि पॉजिटिव अपेयर होगा इस साइड पर और नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये पी साइड फॉरवर्ड बायसिंग में अगेन करंट कंडक्ट होगा, और ये कुछ स्पेस छोड़कर दोबारा से पॉजिटिव पीक आउटपुट में आपके पास अपेयर हो जाएगी एंड द सिचुएशन विल कंटिन्यू ऑन एंड ऑन अगेन। अगर हम इसी चीज़ को एक वेव डायग्राम की फॉर्म में भी देखें, सो दिस इज़ द वेव डायग्राम ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड दिस इज़ द वेव डायग्राम ऑफ द आउटपुट सिग्नल। इनपुट में जब पॉजिटिव अपेयर हुआ तो हमें पता चला कि आउटपुट में भी आपके पास पॉजिटिव पीक अपेयर हो गई है, लेकिन जैसे ही इनपुट का नेगेटिव पीक आया इट विल बी स्किप्ड ऑन द आउटपुट साइड, कोई भी पार्ट हमारे पास यहाँ पर नहीं हमें मिलेगा, देर विल बी नथिंग ऑन द आउटपुट साइड। फिर जैसे ही इनपुट पे आपके पास पॉजिटिव पीक आएगी, आउटपुट में भी आपके पास पॉजिटिव पीक अपेयर हो जाएगी। अगर हम टाइम के भी हिसाब से देखें तो जब बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था टाइम वाज ज़ीरो, तो एट दैट पॉइंट बोथ वेव्स आर एट द सेम पोजिशन। फिर जब टाइम आपके पास टी बाई फोर यानी कि टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा कवर हुआ, एट दैट पॉइंट अगेन द वेव्स आर एट द सेम टी हाफ टी बाई टू टाइम हाफ टाइम में भी आपके पास वेव सेम पोजिशन पे हैं, लेकिन थ्री टी बाई फोर वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है, और फिर टी पॉइंट पे अगेन वेव्स आपके पास सेम पोजिशन पर मौजूद हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं दिस इज़ द वेव डायग्राम ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट फॉर द
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन का फिनोमिना जो है वो कैसे होता है। दिस इज नाउ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अब फर्क इसके सर्किट में है, और वो ये कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम एक ही डायोड यूज़ करते हैं यहाँ पे, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन एटलीस्ट दो डायोड्स, और आपकी बुक में जो सर्किट डायग्राम दी गई है उसमें हम चार डायोड्स यूज़ करते हैं, एंड दोज फोर डायोड्स आर इन दी ब्रिज फॉर्म। इस वजह से इस तरह की फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम ब्रिज रेक्टिफिकेशन या ब्रिज इस तरह के रेक्टिफायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। फोर डायोड्स लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज, वो उसी तरह के स्ट्रक्चर में ब्रिज की फॉर्म जो है वो बनाएंगे। नाउ दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर। आप देख सकते हैं कि चार डायोड्स लगे हैं, एंड दीज फोर डायोड्स आर इन दी ब्रिज पैटर्न। यहाँ पे हम डायोड्स की नेमिंग भी कर देते हैं। दिस इज द डायोड D1, दिस इज D2, दिस इज D3, एंड दिस इज D4। आप देख सकते हैं कि ये चार डायोड्स 2-2 के पेयर में लगे हुए हैं। D1 एंड D3 आर कनेक्टेड इन वन डायरेक्शन, वाइल D2 एंड D4 आर कनेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास यहाँ ये इनपुट AC सोर्स हम दिखा रहे हैं, वेयर R इज़ नोन एज द लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है। अगेन आपके पास जो इनपुट सिग्नल है इट विल बी एन AC सिग्नल, और AC सिग्नल में कुछ पार्ट आपके पास पॉजिटिव वीक, हाफ पार्ट और हाफ पार्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन सो ऑन, ये आपके पास इनपुट में आपके पास मिलेगा, और आउटपुट अभी हम देखते हैं कि कैसे जो है वो हमें मिलती है। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट आपके पास दो पेयर्स हैं डायोड्स के, फोर डायोड्स हैं, टू पेयर्स हैं, और हर पेयर जो है वो एक तरह काम करेगा। यहाँ पर डायोड्स अल्टरनेट में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जाएंगे, अभी हम देखते हैं कि वो कैसे जाएंगे। सपोज दिस इज़ द पॉजिटिव पीक ऑफ द सिग्नल, तो पॉजिटिव पीक का मतलब ये है कि इस पार्ट के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ रहा है। यही पॉजिटिव आपके पास यहाँ पर ए पोजिशन के ऊपर भी अप्लाई होगा, और यही आपके पास यही नेगेटिव जो है ये आपके पास बी पोजिशन के ऊपर भी अप्लाई होगा। हेयर एट द ए वी आर हैविंग पॉजिटिव एंड एट द बी वी आर हैविंग द नेगेटिव। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव दैट इज़ फेस्ड बाय द पी साइड ऑफ D1 एंड एन साइड ऑफ D2, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये रिवर्स बायस में ये पार्ट चला जाएगा, और फर्स्ट कंडीशन में ये डायोड D2 जो है ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा, इट विल नॉट कंडक्ट द करंट, वाइल पॉजिटिव एंड पी साइड दे विल बी इन द दिस मेक्स द D1 इन द फॉरवर्ड बाय स्टेट, दिस मीन दैट कंडक्शन में चला जाएगा, और यहाँ पर आपके पास करंट जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव D1 में कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब यही करंट जो है वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है एट दिस पॉइंट। अब आप देखेंगे बी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अपेयर हो रही है, नेगेटिव, और ये पी साइड, दिस मेक्स द D4 इन अ नॉन कंडक्टिंग स्टेट, और ये D4 जो है ये ऑफ स्टेट में रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, वाइल दिस नेगेटिव एंड एन साइड दिस मेक्स द D3 एज द कंडक्टिंग, तो ये कंडक्ट कर रहा है, बट द फ्लो ऑफ द करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव करंट यहाँ से आ रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हुआ, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट में जो आपको करंट मिलेगा दैट विल बी ओनली पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव पीक ऑफ द इनपुट साइकिल। अब आप आते हैं नेगेटिव पीक पे। जैसे ही आपकी करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया तो यहाँ पर पोलैरिटीज ऑफ द वोल्टेज भी रिवर्स हो जाएंगी, जहाँ पर पहले पॉजिटिव था अब वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और जहाँ पर पहले नेगेटिव था अब वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। सो इट विल बी बेटर टू ड्रा द सर्किट डायग्राम अगेन। मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम को दोबारा से प्लॉट कर रही हूँ। दिस इज़ द AC सिग्नल, और ये आपके पास ब्रिज फॉर्म में, दिस इज़ द D1, दिस इज़ D2, दिस इज़ द D3, और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा D4, और ये आपके पास रेजिस्टेंस, और
ये सेकंड हो गया कंप्लीट। अब हम बात करें नेगेटिव वी की। नेगेटिव वी में यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अपेयर होगी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ए पॉइंट के ऊपर आ गया, पॉजिटिव बी पॉइंट के ऊपर आ गया। दिस पॉजिटिव विल मेक दिस डी फोर इन द कंडक्टिंग स्टेट एंड दिस डी थ्री एज द नॉन कंडक्टिंग स्टेट, वाइल दिस नेगेटिव विल मेक दिस डी टू एज द कंडक्टिंग इन द कंडक्टिंग स्टेट एंड दिस विल पुट द डी वन इन टू द नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो अगेन आपका जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो करंट यहाँ से इधर आया, डी फोर कंडक्टिंग में है तो करंट इधर गया, आर के क्रॉस फ्लो किया आर से यहाँ पर, और आपका जो डी टू कंडक्टिंग है तो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ पर, और वापस ये नेगेटिव पोटेंशियल में, तो सर्किट पूरा हो गया। आप देख सकते हैं कि इन दिस केस ऑल्सो आर के क्रॉस करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो पहली पीक जो हमारे पास यहाँ हमें मिल चुकी थी, उसके बाद जो अगली पीक है उसमें भी यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पर भी डाउनवर्ड में किया है, तो पीक जो है वो ऊपर की साइड पर ही आपको मिलेगी। अगेन पॉजिटिव पीक आएगी तो भी फिर दोबारा से ऊपर की साइड पे, फिर जब इसके अगली जो नेगेटिव पीक आएगी उसके लिए भी पीक आपके पास ऊपर की साइड पे ही आपको मिलेगी। सो नाउ यू कैन सी कि हम इनपुट की दोनों हाफ्स को जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं और आउटपुट में आपको पीक सिर्फ एक साइड पर ही मिल रही है। दिस मीन्स दैट नाउ विद सम इम्प्योरिटीज़, विद सम इनको हम बोलते हैं रिपल्स, विद सम रिपल फैक्टर वी हैव कन्वर्टेड द एसी इनटू डीसी। ये जितनी पीक्स आ रही हैं दीज आर नोन एज द रिपल्स। जैसे ही हम इस रिपल्स को रिमूव करेंगे बाय यूजिंग सम फिल्टर्स, आपके पास आउटपुट कुछ लीनियर फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। अगर मजीद कुछ अच्छा फिल्टर यूज़ कर लेंगे, फिल्टर का मतलब यह है कि इस रेजिस्टेंस के आगे कोई कैपेसिटर या इंडक्टर आप लगा दें, उससे पास होकर जो आपको आउटपुट मिलेगी उसका रिपल फैक्टर काफ़ी कम हो चुका होगा। सो इन दिस वे वी कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। अब इसका भी हम जो है वो वेव डायग्राम लाइक दिस जो है वो हम शो कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे ये आपने जो है वो एम्पलीट्यूड के लिए वर्टिकल लाइन प्लॉट की और हॉरिजॉन्टल में हम टाइम प्लॉट करेंगे। ये आपके पास इनपुट के लिए है और ये आपके पास आउटपुट के लिए। इनपुट में सेम जैसे कि हमने पहले कहा, पॉजिटिव पीक है, नेगेटिव है, देन पॉजिटिव है एंड सो ऑन। जीरो टाइम यहाँ पर आपके पास टी बाय टू टाइम जो है, सॉरी टी बाय फोर टाइम जो है शो करेगा। दिस विल बी टी बाय टू, दिस विल बी थ्री टी बाय फोर एंड दिस विल बी ओनली टी, और आपका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव पीक एज इट इज़ अपेयर होती है, वाइल फॉर द नेगेटिव दिस कन्वर्ट्स इन टू द पॉजिटिव। बिकॉज हमने देखा कि रेजिस्टर के क्रॉस चाहे कोई सी भी इनपुट में पीक आ रही हो, आउटपुट में रेजिस्टर के क्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। दैट्स वाई ऑल द पीक्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। और आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द वेव डायग्राम फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें इनपुट सिग्नल को हमने कम्प्लीटली डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेक्टिफिकेशन, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को स्टडी किया। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आई विल कम टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।